तो अश्रुओं में वृद्धि कैसे होती है? पतितावन इस ब्रह्मांड की सबसे प्योर सत्ता को भू लगने जा रहा है, कैसे स्थान पे बनना चाहिए? 99% कलयुग के अंत में प्योरिटी का माहौल है हर जगह, कुछ धार्मिक आध्यात्मिक स्थानों को छोड़कर किसी के घर भी पवित्र वाइब्रेशन वाले नहीं है, बहुत रेयरली मिलेंगे, बहुत रेयरली। लेकिन ये जो बाबा के स्थान है ये संपूर्ण पवित्र स्थान है। इन घरों में 24 घंटे में एक बार खुद बाबा चक्कर लगाने आते हैं, चाहे वो 2 सेकंड के लिए आए, पर 24 घंटे में वो चक्कर लगाने आता है। तो बताइए जिस घर में भगवान का आना जाना हो वो स्थान कैसा होगा, जहां सैकड़ों साधक बैठ कर साधना करते हो, जहां बाल ब्रह्मचारी रहते हो, जहां नित्य गीता ज्ञान सुनाया जाता हो, जहां आत्माओं का प्रभु से मिलन होता हो, जहां दुखियों के दुख दूर होते हो, जहां आत्मदर्शन होता हो, जहां परमात्मा की पहचान प्राप्त होती हो, ऐसे पावरफुल पवित्र स्थान पर ये ब्रह्मा भोजन, ये भोग, ये प्रसाद ऐसी धरनी पर बनता है। अब इसको बनाने वाले कौन होते? धरनी का भी महत्व है, बनाने वालों का भी महत्व है। आज मैं आपको सामने से एक बात कहना चाहूंगी, जितना भोग लगाने का फायदा है उतना बनाने का भी महत्व है, परंतु कंडीशन, अगर आप नियम धारणाओं में पक्के हैं तो आप सामने से ऑफर कर सकते हैं बहनों को, हम ये भोग बनाने की सेवा करेंगे, चाहे भाई है चाहे बहन है, ऑफर कर सकते हैं, स्वेच्छा से नहीं दीजिए। अगर बहन जी हाँ बोले तो ठीक, नहीं बोले तो भी ठीक। अगर आप नियम मर्यादाओं में ढीले हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भोग से दूरी बनाकर रखिए, नहीं तो पुण्य की बजाय पाप हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे पवित्र सत्ता के लिए बन रहा है, ये केवल पवित्र आत्माओं के हाथ से बन सकता है, ब्रह्मचारियों के हाथ से बन सकता है। इसीलिए इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखना है आपको। अगर आप नियम धारणाओं में पक्के हैं तो ऑफर कीजिए सामने से, ये सेवा हमें दीजिए, हम करेंगे इसे, ठीक है ना। और उसमें फिर जो हमारी बहने निमित्त है उनकी हाँ या ना का इंतजार कीजिए, अगर वो हाँ बोले तो ठीक, ना बोले तो भी शर्मा के, क्योंकि ये भोग उन्हीं बहनों के हाथ से बनता है। आज मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूं, जिनके त्याग और तपस्या की कहानी भगवान की डायरी में सोने के अक्षरों में लिखी जाएगी, जिन्हें आप ये सफेद वस्त्र धारण देखते हो ना, ये बहुत सम्मान के, बहुत रिस्पेक्ट के काबिल हैं। इन जैसा त्याग, इन जैसी तपस्या ना तो किसी ने की है ना कोई कर सकता है। जब खेलने खाने की उम्र थी, जब सजने सजाने की उम्र थी, जब शोक श्रृंगार की उम्र थी, तब इन्होंने अपना सारा घर संसार त्याग दिया। छोटी छोटी सी उम्र में सारे रंग छोड़कर केवल सफेद रंग को धारण कर लिया, अपना घर संसार त्याग कर भगवान को अपना संसार बना लिया। ऐसी हमारी बहनें जो रोते हुए उनके पास आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, जो भटकते हुए आते हैं और राह लेकर जाते हैं, जो प्रभु मिलन करा रही हैं, जो उसके बिछड़े लाल उससे मिला रही हैं, ऐसी
जिसकी पवित्र बहनों के हाथों से जिसका यादगार काम देनु है, जिसका यादगार पुरना है, उनके हाथों से ये प्रभु प्रसाद बनता है। ये ब्रह्मचारिणी बहने प्रभु प्रेम में मगन होकर उस भोग को बनाती है, और जब झूम के ये भोग बनाती है तो इसकी खुशबू तीनों लोकों में फैलती है। देवता ये विचरण करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि हमारे नसीब में 56 प्रकार के भोग तो हैं, परंतु ये ब्रह्मा भोजन हमारे नसीब में नहीं है। तरसते हैं वो इसके लिए, वो कहते काश ये ब्रह्मा भोजन भी हमारे नसीब में होता, परंतु ये केवल आपके नसीब में है, देवताओं के लिए नहीं है। तो एक बार अपने लिए ताली तो बजा।